जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में खैर के साथ होंगे। तो आपने इस वीडियो का टाइटल और जो पीछे देख रहे हो वो देख ही लिया होगा और आप शायद समझ ही चुके होंगे कि आज हम कहां पर आए हुए हैं। तो जी हां, आप सही समझे, आज हम आए हुए हैं दिल्ली के मुगल गार्डन में, जिसका नाम अब चेंज हो गया है, अमृत उद्यान हो चुका है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो 18 फरवरी के बाद, तो आपके लिए तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो इसलिए वो आप वीडियो पर जरूर देखें ताकि आपका ना बने पोपट मेरी तरह। अगर वो चीज़ मुझे पता होती यहाँ पे आने से पहले तो मैं उसको अप्लाई ज़रूर करता, तो आप भी उसको कर सकते हो। तो इसलिए आप इस वीडियो पर जरूर देखें, मैं डाल दूंगा वो जो भी है अपडेट इस वीडियो के मिडिल के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे मुगल गार्डन पे कैसे आ सकते हो। तो करते हैं वीडियो का आगाज़। बाकी अगर देखो ये है कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं मुगल गार्डन के अंदर, तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा सेंट्रल सेक्रेटेरियट मेट्रो स्टेशन पे, या फिर आप आ सकते हो उद्योग भवन, वो भी पास पड़ता है इसके। तो वहाँ से आप जब निकलोगे ना, तो आपको करना पड़ेगा ऑटो। तो ऑटो से आप आ सकते हो, या फिर अगर आप आते हो शेयरिंग ऑटो से, और फिर 30 रुपये लेगा, 30 रुपये में आपको यहाँ पे छोड़ देगा। अगर आप अपना करोगे पर्सनल तो वो 800 रुपये तक लेगा। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना, मत भूलना ये कि जो आपको ऑटो वाला होगा ना, वो आपको छोड़ देगा गेट नंबर 35 से कम 1 किलोमीटर दूर। मतलब कि 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर ना इनकी एंट्री है नहीं ऑटो वालों की। तो अगर आप यहाँ पे आते हो ना, तो वो आपको पहले छोड़ देगा, तो आपको बाय वॉक यहाँ पे आना पड़ेगा। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखें। लेकिन अगर ये है कि अगर आप अपने ओन कार से आते हो या फिर आप ओला उबर से आते हो ना, तो इस सिचुएशन में नहीं, आप अंदर आ सकते हो, आप अपनी गाड़ी अंदर पार्क कर सकते हो। वो तो आपको जो 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो बच जाएगा। लेकिन अगर आप आते हो मेरी तरह ऑटो से शेडिंग करके, तो आपको ऑटो वाला छोड़ देगा 1 किलोमीटर। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। मतलब ये कि आपको अप्रोक्स कम से कम 15-20 मिनट चलना ही पड़ेगा। तो अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग लोग हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें कि आप उनको लाएँ तो कार के साथ लाएँ। अगर आप सोच रहे हो कि मेट्रो से ले आएंगे उनको, उसके बाद यहाँ पे आने पर ऑटो कर लेंगे, तो उस चीज़ से उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। और रही बात इसकी टाइमिंग की, जो इसकी खुलने की टाइमिंग है, वो है 10 बजे से। मतलब कि आप 10 बजे आराम से आप आ सकते हो। और इसकी जो लास्ट टाइमिंग है ना, मतलब जो लास्ट एंट्री है, वो 3 बजे है। मतलब कि 3 बजे आप आ सकते हो, 4 बजे बंद हो जाता है। कहते हैं 500 बज जाते हैं, लेकिन आप ट्राई करो कि आप 3 बजे से पहले या फिर 3:30 तक यहाँ पे आ ही जाओ। और आपको यहाँ पे आने से पहले आपको करना पड़ेगा, आपको टिकट बुक करना पड़ेगा ऑनलाइन, या फिर आप यहाँ पे आके, और भी तरीके हैं, या फिर आपका QR कैसे था, या फिर आप ना यहाँ पे आके भी कर सकते हो। लेकिन मैं आप सजेस्ट करूँगा कि आप घर से ही करके आ जाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते। तो आप जो उसका लिंक होगा ना, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। कुछ नहीं करना, बस आपको चाहिए एक फ़ोन नंबर, क्योंकि फ़ोन नंबर पे आएगा OTP। तो आप उस लिंक के थ्रू अपना टिकट बुक कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आराम से। अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट की, कि जो मुगल गार्डन है ये कब तक खुलेगा, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 मार्च में। 16 मार्च के बाद ये बंद हो जाएगा। आज 18 तारीख है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अप्रोक्स आपके पास अभी भी 1 मंथ है, आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। तो यहाँ से करेंगे हम गार्डन में एंट्री, जहाँ पर आप दिखा सकते हो अपना पास। बाकी ये है कि यहाँ पे आते हो तो आपको इस टाइप का चिपट लग जाएगी, फिर यहाँ पे आप आराम से जमा करवा सकते हो। आपको इस टाइप का टिकट मिलेगा, तो आप इसको अपने पास रख सकते हो, ताकि बाद में जब आप अपना बैग लो तो आप इसको दिखा के अपना बैग ले लो। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, खतरनाक वाली यहाँ पे। यहाँ से हम करेंगे यहाँ की एंट्री। अगर मैप है आप इसको देख सकते हो, ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे अंदर जाना है। अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं गेट नंबर 35 पे, तो ये पूरा गोल वाला एरिया है। अब हम चलते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये भी आपका एक टाइप का मैप्स है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप पानी भी आराम से पी सकते हो, या पानी का भी जुगाड़ है पीने का। सामने देख रहे हो आप, बाल लोगों के लिए है, कुछ खेलने के लिए, मतलब बच्चे हैं आपके साथ, तो यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा आने वाला है मज़ा। सबसे पहले जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका हर्बल गार्डन। तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इस टाइप के दिखने के लिए बहुत सारे फूल्स, जैसे कि आप सामने देखो ये तुलसी समथिंग लग रहा है मेरे को। तो अगर आप चाहते हो इसके बारे में पढ़ना, इसकी इन्फॉर्मेशन, तो आप स्कैन भी कर सकते हो यहाँ से। जो आप मेरे देखो पीछे फाउंटेन, ये फाउंटेन जो है ये आपका राष्ट्रपति भवन का म्यूजिकल गार्डन। तो यहाँ पे इस टाइप के आवाज़ें, मतलब म्यूजिक ये चलता रहता है। ये है राष्ट्रपति भवन, जिसके अंदर है 4 मंजिलें। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 340 रूम्स। और जो आप देख रहे हो गार्डन सामने, ये पूरा 195 एकड़ में फैला हुआ है।
अगर हम बात करें इसके कॉरिडोर की, तो पूरा का जो कॉरिडोर है वो 2.5 किलोमीटर एरिए में फैला हुआ है। ओ भाई साहब, ये है गुलाब, यहाँ गए देख लो एक साथ, लेकिन आप इसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ना मना है। ये चीज़ आपको यहाँ पर हर जगह देखने को मिल जाएंगी। बाकी आप ये देखो सामने है राष्ट्रपति भवन, और ये है आपका मुगल गार्डन। आप देखो कितने खूबसूरत सारे हैं फूल्स यहाँ पे। तो अगर आप लवर हो नेचर के, तो यहाँ पे आना आपके लिए मस्ट है। बाकी आप देखो सामने ग्राउंड जो है कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है, मतलब इसकी एकदम कटाई एकदम परफेक्ट हो रखी है, मतलब कितनी लगती होगी मेहनत जब वो भी इसको करता होगा मेंटेन। ये आप देखो एकदम एकदम क्लीन है, सारी घासें एकदम बराबर कटी हुई हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो कुछ लोग जो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ये अंदर जा सकते हैं, जो कि VIP टाइप समथिंग है, जैसे कि ये IPS लोग हैं तो जब ये अंदर जा सकते हैं, जो कि नॉर्मल लोग होते हैं वो अंदर उनको ना अलाउ नहीं है। बाकी तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा जितने भी फूल दिखने आपको अलग अलग टाइप के, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे तरह के दिखेंगे फूल्स। लेकिन ये दिक्कत ये है कि यहाँ पे बंदा कोई आराम से बैठ नहीं सकता, अभी जहाँ भी जितना मैं घुमाऊँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आराम से बंदा बैठ नहीं सकता। बताओ ये वाला फूल कौन सा है? लग तो काफ़ी अच्छा रहा है, नाम तो मुझे नहीं पता इसका, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। यहाँ पे बहुत सारे फूल के अकसाम मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत तगड़ा है सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पे आप आओगे ना तो आपको 3-4 बार तो आपको चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एंट्री होगी, और हर गार्डन के पास इस टाइप के हमारे जवान खड़े हुए हैं ताकि यहाँ पे किसी भी तरह का इशू ना हो। बाकी जो सारे फूल्स हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ये मुरझा से रहे हैं। जो पानी है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है, हालांकि छू नहीं सकते इसे। वैसे 18 फरवरी के बाद तो गर्मी है काफ़ी बढ़ गई है, तो अगर आप इधर आते हो ना तो उस हिसाब से आना। तो आप चाहो ना तो इसको कर सकते हो स्कैन, स्कैन करने के बाद आप जो भी है वाला पेड़ पौधे या फूल वगैरह आप इसके लिए सकते हो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो वाला जो ये वाला जो रोज़ है, ये है आपका रोज़ ब्लैक बकारा, जो कि सारे ये वाले हैं। आपको मुगल गार्डन के अंदर 135 से भी ज़्यादा फूलों की अकसाम देखने को आराम से मिल जाएगी। देखो ये फूल कैसा है, इसमें रेड भी है उसमें वाइट भी है, मतलब आपको इस टाइप के फूल्स बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपने शायद पहले कहीं पर भी नहीं देखे होंगे। ये रेड फूल है हमारा, ये वाइट, इस टाइप के फूल आपको यहाँ पे देखने को आराम से मिल जाएंगे। तो आपने बहुत सारे फूल देख लिए, अब देखो कैक्टस, जैसे फूल लेंगे जो आप सामने देख रहे हो ना, ये सारे वो हैं कैक्टस। तो यहाँ पर इस टाइप की सब चीज़ें मौजूद हैं, ये देखो कैक्टस है, ये कैक्टस है, जरा कैक्टस, ये है कैक्टस, तो सब मोस्टली यहाँ पे कैक्टस ही मौजूद हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको देता हूँ पहली अपडेट, वो पहली अपडेट ये है कि 1 मार्च, 2 मार्च और 8 मार्च को मुगल गार्डन जो है बंद रहेगा। कि हाँ ये बंद रहेगा, क्योंकि 1 और 2 को है वो G20 की मीटिंग है, जो 8 तारीख की उसको होली है, तो उसके चलते ये बंद रहेगा। इसके अलावा जो वाला गार्डन है ना, ये मंडे को बंद रहता है एवरी वीक, मतलब कि आप आ सकते हो संडे टू संडे, आप यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन आप मंडे नहीं आ सकते, क्योंकि मंडे को ये वाला जो गार्डन है वो ऑफ रहता है। वैसे अगर आप यहाँ पे आते हो मुगल गार्डन में और आपको कुछ दूसरी जगह भी करना है विजिट, तो आप जा सकते हो इंडिया गेट। इंडिया गेट की मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चाहो वो भी देख सकते हो। अब देखो ये है मेन तो ये है यहाँ का मुगल गार्डन। सारे जो फूल्स हैं ना जितने भी, वो सारे इधर ही मिलेंगे आपको देखने के लिए। ये देखो पिंक जो फूल्स हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल ही नहीं है, कोई कपड़ा टाइप का है, लेकिन ये फूल ही हैं। और हम थोड़े से चले आगे, तो ये इस टाइप के जो वाइट वाले काफ़ी हमने देख लिए पीछे, ये यहाँ पर भी लगे हुए हैं, और बाकी ये सारे गुलाब के फूल हैं, ये समथिंग रोज़ गार्डन लग रहा है। देखिए थोड़े से ये जो फूल हैं ये थोड़े से मुरझा भी रहे हैं, जैसे कि वाला जो आप देख रहे हो वाला रोज़,
इसका नाम है रोज पसादेना। ये भी एक टाइप के अकसाम हैं फूलों की, जो कि आप मात्र देख सकते हो मुगल गार्डन में। बाकी जो यहाँ पे देखे देखो आप, काफ़ी सारे फूल दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ना, जहाँ पर आप अपनी निगाह घुमाओगे वहाँ पे हमारे जवान भी खड़े हैं, तो इसलिए कोई हरकत ना करना है यहाँ पे आगे। जो आप देख रहे हो ये जो भी यहाँ पे मुरझा रहे हैं, वैसे नहीं, जो मंडे को बंद रहता है ना उस दिन होती है आपकी मेंटेनेंस, तो ये भी यहाँ की एक वजह है मंडे को इसको बंद रखने की। यार एक बात तो है, जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ना पूरे भवन का, बहुत ही बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। बाकी आपको इस टाइप के फूल भी देखने में मिल जाएंगे, यहाँ से बने हुए हैं, लेकिन आप ज़्यादा उसको छूना मत, क्योंकि अगर टूट जाएंगे ना तो नुकसान हमारा ही होगा। बाकी आप कैमरे भी लगे हुए हैं, इसलिए आप उसको मत तोड़ना बिल्कुल भी। बाकी आप देखो कि कितने खूबसूरत वाले फूल्स हैं ये टांगने वाले हैं, और ये येलो कलर के फूल आप थोड़े से देखो पास से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा लग रहा है जिसकी फूल नहीं है, कोई कपड़ा टाइप का है, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते, हम इसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये अलाउड नहीं है। ये देखो जो वाला पेड़ है, जो फूल लग रहे हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ही हटके लग रहे हैं मेरे को। ये फूल पता नहीं फूल है नींबू है क्या है। और आपको इस खूबसूरत गार्डन में देखने को मिल जाएंगे 450 से भी ज़्यादा फाउंटेन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बात है। ये जो एरिया है वाला, ये यहाँ का सबसे ज़्यादा खूबसूरत वाला एरिया है। अगर आपने कभी नहीं देखे व्हाइट फ्लावर, तो आप अभी देख सकते हो कि व्हाइट फ्लावर जो है आपको दिखेंगे इस मात्र मुगल गार्डन के अंदर। बाकी तो इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ ही लग रही है मेरे को। मैं ये कि अगर आप कभी इधर आते हो ना, तो ट्राई यही करना कि आप स्टार्टिंग के दिनों में आ जाओ, ताकि आपको इतनी खतरनाक वाली भीड़ देखने को ना मिले। और आप यहाँ पे आ सकते हो स्कूल के बच्चों को लेकर भी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी खड़ी थी बाहर स्कूल के बच्चों की, जो कि यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए। और बाकी मेरी थी सेकंड अपडेट, वो ये है कि आप यहाँ पे नहीं ला सकते पावर बैंक या फिर अपना ब्लूटूथ हेड फ्री या फिर अपना बैग, मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो आप एंट्री नहीं कर सकते, ये बैग बाहर रखवा लेंगे। उसके साथ साथ आपका जो भी होगा हेडफोन नहीं ला सकते। अगर ये है कि आप पानी की बोतल ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास कोई बच्चा है तो उसके लिए आप दूध की बोतल भी रख सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी यहाँ पे कैंटीन भी है, आप सूची देख सकते हो उसकी कि यहाँ पे आपको क्या क्या खाने को मिल सकता है और इनके प्राइस क्या क्या होने वाले हैं। कि आप चाहो तो यहाँ पे आके अपने डालो फोटो वोटो, तो इनको टैग कर सकते हो इनके थ्रू। बाकी आप ये भी ले सकते हो सोवेनियर से, अगर आप यहाँ पे आते हो यादगार के तौर पे, ये सब चीज़ें भी ले सकते हैं। बाकी मैंने एक ली है कचौरी, थी 40 रुपये की थी ये वाली, लेकिन एक चीज़ जो कि अच्छी नहीं है वो ये है कि यहाँ पे मतलब तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आराम से बैठ के खा पी लोगे। ये देखो सारे लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं ज़मीन पे, सारे लगे हैं स्टॉल खाने पीने के, तो आप यहाँ पे आके आराम से खा पी सकते हो। स्कैन भी कर सकते हो आप, चाहे तो आप पेटीएम भी कर सकते हो, चाहे तो आप कार्ड से भी ले सकते हो। तो बाकी जो थर्ड अपडेट है वो मैं आपको बता दूँ, थर्ड अपडेट ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हो ना, तो आप यहाँ पे आके जा सकते हो म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ पर म्यूज़ियम भी है, तो जो म्यूज़ियम का जो फेयर है वो 50 रुपये का है, 50 रुपये पे कर सकते हो, आप जा सकते हो। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ से आते हो और आप टिकट यहीं पर करवाना चाहते हो, तो आपके पास डेबिट कार्ड होना मस्ट है या फिर क्रेडिट कार्ड। और एक चीज़ का ध्यान और रखें कि आप अपने साथ लाओ कोई भी आईडी। मैंने तो ऑनलाइन किया था इसका बुक, जो कि म्यूज़ियम है वो 50 रुपये पड़ा था। मैं आपको दिखलाऊंगा जो म्यूज़ियम है वो आके दिखता कैसे है। बाकी आप एक चीज़ ध्यान रखना, वो ये है कि अगर आप मान लो यहाँ पे आते हो ना, तो बैठने का इंतजाम यहाँ पे बहुत कुछ खास है नहीं। मतलब ये है कि अगर आप पूरा घूम लोगे ना, जब आप निकलोगे एग्जिट की तरफ, तभी आप थोड़ा बैठ सकते हो। मैं देखा, मैं मतलब पूरा घूम लिया, तो यहाँ पे ऐसे कुछ स्थान नहीं बैठने का था, लेकिन एग्जिट की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मुझे बैठने का जुगाड़ दिख रहा, तो आप इसलिए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें।
और अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, मार सकते हो वीडियो को लाइक। हम चलेंगे सबसे पहले यहाँ के म्यूजियम के अंदर। बाकी आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये प्रणब मुखर्जी पब्लिक लाइब्रेरी, तो यहाँ पे आप जा नहीं सकते, पब्लिक के लिए अलाउ नहीं है, लेकिन जो यहाँ के होते हैं VIP लोग समथिंग वो इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो राष्ट्रपति भवन है ना, ये पूरा 5 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये। आपको पता ही होगा जो राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पे राष्ट्रपति जी हमारे रहते हैं। तो अगर आपको पता है कि हमारा जो करंट राष्ट्रपति जी हैं वो कौन हैं, तो आप मुझे बताओ कमेंट के अंदर ज़रूर कि जो करंट राष्ट्रपति हैं वो इस टाइम कौन है हमारे प्रेसिडेंट। तो वैसे मैं आपको एक हिंट दे दूँ, फिलहाल की जो करंट है ना वो एक महिलाएं हैं, तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बाकी आप मुझे फिर भी कमेंट में करके ज़रूर बतलाओ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप राष्ट्रपति भवन में नहीं आ सकते नॉर्मल डेज के अंदर, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे आया था, मैंने की थी कोशिश अंदर आने के लिए, मतलब इसमें अलाव है नहीं आम लोगों को जाना, लेकिन क्योंकि मुगल गार्डन खुला हुआ है तो इसलिए आप जा सकते हो, मतलब पूरे साल में जो ये है एक बार ही खुलता है राष्ट्रपति भवन, तो काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है आपके लिए अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हो। तो ये यहाँ का है म्यूज़ियम, राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम। तो अभी हम यहीं चलते हैं, तो कि आपको यहाँ पे ये सब चीज़ देखने को मिलने वाली हैं। अंडरग्राउंड म्यूजियम ऑन लाइब्रेरी हिस्ट्री विजुअल वॉक एंड महात्मा गांधी पर्सनलाइज इंडिया पोस्ट स्टैम्प, तो बुक कर लेना चाहो तो। ये रहा इसका एंट्री गेट।